गजानंद ऑटो सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह पंप है कार वॉशिंग का, उसके वॉशर ख़राब हो गए थे, इसी वजह से हमने इसको खोला है। आज हम बताएंगे कि इसकी वॉशर कैसे चेंज करें। पहले तो हम यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसीलिए इसकी ऑयल सील तीनों की तीनों नई लगा देंगे। ये पिस्टन की ऑयल सील पहले बाहर निकाल देंगे और तीनों की तीनों ऑयल सील लगा देंगे और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। वॉशिंग पंप आज हम आपको पूरा रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। हमने तीनों की तीनों ऑयल सील चेंज कर दी। ये नए वॉशर है, ये नट हमारी ख़राब हो चुकी थी इस वजह से, और इसके अंदर तीन वॉशर होते हैं, वो आज हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। पहले तीनों के तीनों पिस्टन के साइड से अंदर से पंप के अंदर से हम तीनों के तीनों ऑयल सील निकाल देंगे, बड़ी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देंगे और ग्रीसिंग ब्रीसिंग वगैरह थ्रेड होते हैं उसमें लगा देंगे। हम तीनों वॉशर आपको लगा के दिखा देते हैं कैसे लगाते हैं। चलो वीडियो को आगे देखते हैं। पहले तो ये कॉलर हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके चारों होल होते हैं, जो छेद होते हैं उसमें से हम मिट्टी वगैरह सब जो जाम हो गया होगा तो हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। यहाँ से हमारे जो वाइसर लगे हुए होते हैं वहाँ उस पर ग्रीस मिलता है। पंप काफ़ी पुराना है, इस वजह से हमारे तीनों के थ्रेड थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं। ये नटों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करने का है, नहीं तो एल्यूमिनियम की नट होती है टूट भी सकती है। जब भी हम वाइसर लगाएंगे उस वाइसर पे अंदर जो वाइसर लगते हैं उसके कॉलर बाहर की ओर रखने का है और अच्छी तरह से ग्रीस और साफ़ सफाई
कर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक दें, और अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा पहला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये तीनों नट लगा देंगे। साफ सफाई का ध्यान रखने का है, मिट्टी वगैरह आ ना जाए। यहाँ के ऊपर वाइसर पे भी हम ग्रीस लगा देंगे। ताकि अच्छी तरह से आसानी से बैठ जाए। यहाँ पे भी ग्रीस लगा देंगे। इस पे लाइनें आ चुकी है, इस वजह से बार बार हमारे वाइसर खराब हो रहे हैं। ऐसे घुमाने से ये पिस्टन आगे पीछे होते हैं। बाद में हम ये यहाँ से ये लगा देंगे। ऐसे आहिस्ते लगाएंगे और चारों बोल्ट पहले थोड़े थोड़े लगा देने के हैं, और बाद में ये पुली है जो बेल्ट लगा हुआ है वो वैसे आहिस्ते आहिस्ते घुमाने की है। ज़्यादा फटका नहीं लगाने का है, घुमाएंगे पुली लगे घुमाएंगे और बोल्ट टाइट करते रहने का है। वैसे ही बोल्ट एकदम आमने सामने ही टाइट करें और पुली घुमाते रहे ताकि पिस्टन अंदर चले। जैसे ही अंदर चलेंगे बैठ जाएगा, और अब बोल्ट को आमने सामने ही टाइट करने का है, वो खास ध्यान रखें। ऐसे ऐसे अंदर चला जाएगा, वैसे पुली घुमाते रहना है। और आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे वीडियो को। ये तीनों ग्रीस की जो डबिया होती है वो उसमें हमें ग्रीस को भर देने का है, और हर रोज़ चालू करते टाइम उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइट करता रहना है। जैसे ही टाइट करते करते उसके थ्रेड ख़त्म हो जाए, बाद में ग्रीस की डब्बी खोल के फिर से भर देना चाहिए आपको। पंप के वाइसर आपके सही रहेंगे, और इसके जो अंदर होता है जो गियर उसमें हम गियर ऑयल ही डालेंगे। 19 नंबर का ऑयल ही डालना चाहिए। अब हम आपको ये पंप का प्रेशर चेक करके दिखाएंगे। कि कैसे हम पंप चलाते हैं वो दिखाएंगे, उसका और प्रेशर चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका प्रेशर कैसा है, वो हम चालू करके दिखाएंगे। पंप हमारा चालू हो गया है।
पहली बार चालू किया है, इस वजह से एयर होगा, वो एयर सब निकल, आप देख सकते हो इसका प्रेशर कितना बढ़ गया है। आगे आप जहाँ प्रेशर आ रहा है उंगली भी नहीं रख सकते हो, उतना प्रेशर आ रहा है, और उतना प्रेशर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपका आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।